दर्शकों, हर बार मोदी सरकार की बात करें और खासतौर से मोदी जी की बात करें तो अपने लाल किले से एक भाषण देते हैं कि करप्शन पर रोक लगानी है। करप्शन आखिर 2014 से पहले का और 2014 के बाद में कितनी कटौती हुई है, कितनी कमी आई है। हमारे बीच में राधेश्याम कौशिक जी हैं जो कि वरिष्ठ प्रमुख समाजसेवी भी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, करप्शन पर कितनी लगाम लग पाई है? देखो, आपने एक बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया है। मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ राहुल जी कि आपने इतना करप्शन का मुद्दा आप लोग उठा रहे हो। ये एक मुद्दा ऐसा मुद्दा है जो पिछले जो है कई सालों से, 10-20-30 सालों से उठता चला आ रहा है, लेकिन इस पे कहीं भी कोई एक्शन नहीं होता। जितना प्रशासन टाइट होता है तो करप्शन उतना ही अधिक हो जाता है। मोस्टली देखा गया है कि अगर मान लीजिए आपने किसी डिपार्टमेंट में थोड़ी टाइट कर दिया है तो वहां पता लगता है कि रिश्वत की रकम 2000 से 5000 पहुंच गई है। काम वैसे ही हो रहा है। मुख्य रूप से हम तो जिस जिले में रहते हैं, नॉर्थ जोन और उत्तर पूर्वी जिला लोकसभा, अभी मैंने यहाँ दो चीज नोट की है। एक तो हमारे यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली की भरमार है। मुझे ये नहीं पता लगा आज तक भी कि हमारे क्षेत्र के अंदर पूरे दिन ट्रैक्टर ट्रॉली घूमती रहती हैं। वो किसकी परमिशन से घूमती हैं? लाइसेंस उनके पास नहीं है, नंबर प्लेट उनके नहीं, रोड पर वे चल नहीं सकते। दिल्ली में शहरी क्षेत्र में उनको प्रतिबंधित हैं और वे सारे दिन घूमती हैं, खूब खुले में माल ढोती हैं, रोड ही बदर कोई ढकावा नहीं होता। और ये सारी समस्याएं हैं। और इसमें कई बार तो क्या है कि ट्रैक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है दुर्घटना में ये होती है कि अगर ड्राइवर ने ब्रेक मारे हो तो 10 फीट 8 फीट आगे जाके रुकता है जी। तो बड़ी समस्या है। नगर निगम जो है हमारा, वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। टोल लगे हुए हैं, उनका उनकी डायरेक्ट एंट्री होती है, उनका कोई टोल नहीं कटता क्योंकि उनके पास ना लाइसेंस है, ना ही नंबर है, ना ही रजिस्ट्रेशन है, तो टोल किस बात का। उसके बाद हमारा जो दिल्ली पुलिस ट्रैफिक पुलिस, अगर आप टू व्हीलर पे जा रहे बिना हेलमेट के तो आपको रोक लेगी, और आपके बराबर में अगर ट्रैक्टर जा रहा है तो उसको नहीं रोकेगी। कानून आपने भी तोड़ा है, कानून ट्रैक्टर ने भी तोड़ा है, लेकिन उसको नहीं रोकेगी, आपको रोक लेगी। तो ऐसी समस्याएं हैं। तो छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, ये बहुत बड़ा करप्शन है। ट्रैक्टर ट्रोली वाला जो बहुत बड़ा करप्शन है। राधेश्याम कौशिक जी, देखने में आता है जब ये खुले में माल ले जाते हैं, जब उनका डस्ट रोड़ी आंखों में लगता है तो कहीं ना कहीं हादसा भी हो रहा, सड़क पर बिखर जाता है। कई बार डस्ट की लगती है, स्पीड ब्रेकर में वो बिखर जाता है, छोटे छोटे बच्चों की आंखों में जाता है, टू व्हीलर वालों की आंखों में जाता है। बड़ी समस्याएं हैं, गंभीर समस्याएं। और फिर पर्यावरण खराब हो रहा है। पर्यावरण तो सबसे ज्यादा खराब हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट तो बैक मतलब जो है सबसे पीछे का दिल्ली का शहर है, जिला है, सबसे पीछे है, मगर कमाई में सबसे आगे। और कमाई में, प्रशासन की कमाई में नंबर एक पे है। SHO चाहेगा मैं जमुनापार में आ जाऊं, कमिश्नर चाहेगा मैं जमुनापार में आ जाऊं, JEE चाहेंगे मैं जमुनापार में आ जाऊं, DMSDM चाहेंगे मैं जमुनापार में आ जाऊं। पता नहीं क्या है, ये मेरी समझ से बाहर है। मैं मुझे तो लग रहा है कि ऊपर से नीचे तक ये करप्शन फैला हुआ है। एक छोटी सी और मैं आपके माध्यम से एक बात पहुंचाना चाहता हूं। अभी अभी जो है एक फ्लाईओवर बन रहा है जेल के पास। कानून और नियम हमारे ये कहते हैं PWD CPWD के, कि पहले आप सर्विस रोड बनाएंगे, उसके बाद जो है आप फ्लाईओवर का, इस तरह का रोड का काम कंस्ट्रक्शन का करेंगे। यहाँ 3-3, 4-4 फीट गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं। मैंने माननीय सांसद मनोज तिवारी को पर्सनली उनको एक लेटर लिखा है, व्हाट्सएप मैसेज उन्होंने पढ़ा भी है, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं आया, कोई एक्शन नहीं लेता। रोड बनी नहीं है, गड्ढे बड़े बड़े हो रहे हैं, गाड़ियां डूब जाती थी जब बारिश आई थी, बहुत बुरा हाल है। कुल मिला के मैं समझता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट जिले को तो इन्होंने नरक बना दिया है। यही हालत रहे तो यहाँ से लग रहा है पलायन करना पड़ेगा। पलायन तो लोग गाजियाबाद जा रहे हैं, लोग नोएडा जा रहे हैं, लोग यहाँ से छोड़ के गुड़गांव जा रहे हैं। हाँ, लेकिन प्रशासन को इस बात से क्या मतलब है? प्रशासन को तो अपनी, देखिए नगर निगम में पिछले जो है 6-6 महीने 3-3 महीने की तनख्वाह नहीं मिलती, वे लोग रोटी कहाँ से खा रहे हैं दिल्ली में रहकर? कोई खेती तो उनकी है नहीं, तो वो तनख्वाह तो उनकी सेफ है। वे दो नंबर का जो पैसा MCD के इनके लोगों के पास आता है उससे वे अपना घर चला रहे हैं।
पूरी बातों का एक ही निचोड़ निकलता है और एक ही लाइन, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत।